स्कैम में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स स्कैम में टॉप ब्रांड मुफ्ती, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स स्कैम मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें। 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, तो आज ही आए किड्स स्कैम। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने अगर इस मुद्दे पर कोई भी रुख नहीं अपनाया तो राज्य में उनकी फिल्में प्रदर्शित और शूटिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाना पटोले ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मनमोहन सरकार के वक्त अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ट्वीट करके आलोचना करते थे, मगर अब मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम सेंचुरी लगाने के करीब में है और इस पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार इस मुद्दे पर खामोश है। नाना पटोले ने कहा कि अगर मोदी सरकार द्वारा की जा रही नाइंसाफी पर ये चुप रहे तो महाराष्ट्र में इनकी फिल्में नहीं चलने देंगे और ना ही इनकी शूटिंग होने देंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने पटोले के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि सम्मानित कलाकार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को कांग्रेस नेता धमकी दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है और कहा कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार ने देश हित में ट्वीट किया है, क्या ये ट्वीट करना अपराध है? मगर सवाल उठता है कि उस वक्त जब देश हित में ट्वीट किया गया था तो आज फिर ये कलाकार देश हित में ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इनके खामोशी पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा है सुनिए। और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने भी पलटवार करते हुए क्या कहा है वो भी सुनिए। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे, ये भूमिका कांग्रेस लेंगी। देश के प्रतिभावान और सम्मानित कलाकार अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को कांग्रेस के नेता दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं उनकी फिल्म का शूटिंग होने नहीं देंगे, उनकी फिल्म को प्रदर्शित होने से कांग्रेस वाले रोकेंगे। क्या अपराध है अमिताभ बच्चन जी का? देश हित में उन्होंने ट्वीट किया, क्या यह अपराध हो सकता है? विदेश में बैठे हुए कुछ लोग षड्यंत्र के तहत भारतवर्ष को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस उनके समर्थन में उतरी है, अब इन्होंने सीमाओं की हद पार कर दी। ये उन कलाकारों को रोकेंगे जो कलाकार मां भारती के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन ले, जो भी व्यक्ति या सम्मानित कलाकार देश के साथ खड़ा है उसके साथ समूचा देश खड़ा है।